आवास पर फरियादियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई जिलों से सैकड़ों फरियादी उनके आवास पहुंचे हुए हैं। फरियादियों से कर यहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं और उनकी फरियाद सुन रहे हैं। और हमारे संवाददाता आसिमाब नकवी ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया है, वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर इस वक्त फरियादियों का जमावड़ा लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनके गेट पर मौजूद हैं और वो अंदर एक एक लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर तक लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, ये तस्वीरें बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पे आए हुए हैं। ये नज़ारा रोज़ का है ब्रजेश पाठक के आवास का, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपनी फरियाद सुनाते हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण होता है। बात करते हैं, कहाँ से आई हैं आप? हमें ही आलमबाग से। क्या दिक्कत हुई है आपको? हमारे हाथ टूट गए तो दोनों गिर गए थे। आप इस सचिवालय में ड्यूटी करते, सब ड्यूटी पर नहीं ले रहे, हमको अपने बच्चों को क्या खिलाए, अपने किराए के मकान पर रहते हैं। तो क्या यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने आए? हाँ भैया के पास आए, बहुत परेशान। आप कहाँ से? जनपद प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। आवास का मामला है, आवास नहीं मिल रहा है, घर गिर गया है और उसी के संबंध में आए हैं। अभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई है? अभी साहब से मुलाकात नहीं पाई, मुख्यमंत्री महोदय जी से। आप भी और भी तमाम लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? सर डिस्ट्रिक्ट बिलेसर खुर्जा नगर से आए हैं। हाँ, हम एक सामाजिक संस्था में काम करते हैं और तीन बार से आ रहे हैं, इनका आशीर्वाद लेने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। आज होगी मुलाकात, क्योंकि आज तो वो तो सभी से मिल रहे हैं और लेटर दे दिया था, लेटरों की कोई सुनवाई नहीं है। तस्वीरें ब्रजेश पाठक के आवास की है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इस तरफ से भी हम तस्वीरें दिखा दें आपको कि यहाँ से लेकर गेट तक बाकायदा कुर्सियाँ लगाई गई हैं और उसके अलावा जो है और भी तमाम फरियादी यहाँ पे अपनी फरियाद लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। लखनऊ से नहीं, विभिन्न जनपदों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी अपनी बात को रखने के लिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए। वो समस्याओं का समाधान भी करेंगे और तमाम बातें जो है वो करेंगे, क्योंकि लगातार जो है उनके पास लोगों का जमावड़ा लगता है और ये प्रतिदिन यहाँ पे लोग इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में आके अपनी बातें रखते हैं और उनका निराकरण यहाँ पर किया जाता है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।